हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सोल इन ग्रीन। फ्रेंड्स, ये है मेरे बैंगन के कुछ पौधे जिसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक्चुअली मई और जून की कड़ी धूप में जो हम गार्डन में मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट हमें जुलाई के महीने में देखने को मिलता है। हरियाली का एक सुखद अनुभव हमें जुलाई के महीने में देखने को मिलता है। इसी से तो इंस्पायर होकर हम और पौधे लगाने के बारे में सोचते हैं। तो मेरे प्लांट्स इतने हेल्दी कैसे हैं, इसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी और आशा करती हूं कि आप भी अपनी गार्डनिंग बहुत मन से करते होंगे, जिससे कि आपको भी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी मिले। तो चलिए चलते हैं मेरे बैंगन के नए पौधे की ओर। ये है मेरे बैंगन के लगाए गए इस बार के पौधे, जो 15 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ ही लगाया था। तो इनकी केयर के लिए सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ वो है इन अनवांटेड ग्रास को पौधों के आसपास से हटाना, क्योंकि ये सारी न्यूट्रिशंस को छीन लेते हैं और पौधों की ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। दूसरा काम है पौधों की गुड़ाई करना। गुड़ाई करने से मिट्टी में हवा का संचार बना रहता है, जिससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और बरसात का पानी भी हमारे कंटेनर में जमा नहीं होता। और एक काम जो मैं करती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के सकर्स को हटाना। इस तरह सीजर की मदद से हम किसी भी पौधे के शुरुआती पत्ते को हटा देते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। इससे पहले मैंने सकस हटाने का जो काम किया था वो गुलदौदी में और सनफ्लावर में किए थे। आप टमाटर में भी इस काम को कर सकते हैं, इससे पौधों में मजबूती बनी रहती है और फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी होती है। फ्रेंड्स, आप अपनी क्वेरीज मेरे साथ शेयर करते हैं और अपना प्यार बनाए रखते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं ऐसे छोटे छोटे टिप्स आपको देते रहती हूँ गार्डनिंग के रिलेटेड। बाकी जो भी मेरे साथ क्वेरीज शेयर करते हैं, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं ढूंढ कर ले ही आती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने बैंगन के पौधे की केयर के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में किसी और पौधे की केयर के बारे में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।